और यहाँ से निकल ले और आप उनको देख के कनाडा आ जाओ और ऐसे ट्रैप में फंस जाओ जिससे फिर बाहर निकल ना पाओ, उसे अपने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। 180 प्लस कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो आप, तो उसमें लगभग आपको 1.5 करोड़ और एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आपके पास पीआर या सिटीजनशिप नहीं है। आपको पुलिस में जाना है तो आपको कम से कम पीआर तो चाहिए रहती है। सो इस चीज का फायदा उठा के कुछ लोग कनाडा को एज अ समर होम भी यूज करते हैं कि इज इट वर्थ कि हम अपने प्यारे इंडिया को, अपने देश को छोड़ के। अगर एक बार आप कनाडा में पक्के हो गए तो आप महीने के लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, अच्छे अच्छे रिश्ते लेके लोग आपके घर पे आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड महंगी महंगी गाड़ी रखना, महंगे महंगे घरों में रहने का सपना आपका बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाएगा। और ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाएंगी? जब आप कनाडा की पीआर या फिर सिटीजनशिप ले लोगे, राइट? रॉन्ग। तो भाई अगर इन बातों से मोटिवेट होकर आप कनाडा आने वाले हो तो आपकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी कनाडा पहुंचने के बाद। पुराने टाइम में ऐसा था कि आप एक बार कनाडा जहाज पे चढ़ के आ जाओ, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ सेट कर लेते थे, बट थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली और उसी स्पीड से हमारा इंडिया जो है वो भी एक नई सुपर पावर बन के उभर के ऊपर आ रहा है। अब ये जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबको हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड इमिग्रेंट्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इंडिया। सो अब हमारे लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस जागनी स्टार्ट हो रखी है कि इज इट वर्थ कि हम अपने प्यारे इंडिया को, अपने देश को छोड़ के कनाडा जैसी किसी कंट्री में जाके रहना स्टार्ट करें और क्या फायदे मिलेंगे अगर हम कनाडा की पीआर या सिटीजनशिप लेते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेनिफिट्स के बारे में आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, बट आपको नुकसान के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा कि पीआर और सिटीजनशिप के बीच में क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है और इसमें क्या फायदे और नुकसान रहते हैं। तो अपने बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर आपको कनाडा के अंदर बिना स्टडी, बिना वर्क परमिट के रहना है अनलिमिटेड टाइम और आपको गवर्नमेंट को कोई भी रीजन नहीं देना, तो भाई अगर आपके पास पीआर कार्ड है कनाडा का तो आप अपनी मर्जी से कनाडा आ जा सकते हो। और ये देखो भैया, प्लेन आ गया एक, इसने फिर से रोक दिया बीच में। अब देखो पीआर होने के बाद आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हमें कनाडा से जाना पड़ेगा, बट पीआर की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है। बट अगर आप कनाडा में 2 साल रह रहे हो 5 साल की ड्यूरेशन में, तो आपकी पीआर जो है वो आगे के आगे एक्सटेंड होती जाती है। सो इस चीज का फायदा उठा के कुछ लोग कनाडा को एज अ समर होम भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में वो अपनी होम कंट्री चले जाते हैं और समर्स में जब 4 महीने यहाँ पे पूरे जन्नत वाले होते हैं, उस टाइम आके वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट्स लाइक अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास कनाडा की सिटीजनशिप है या फिर है तो आप बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पुलिस में जाना है तो आपको कम से कम पीआर तो चाहिए रहती है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है जिसके अंदर अगर आपको उनका लाइसेंस लेना है तो आपके पास कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए। सो बेसिकली जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी आपके लिए बढ़ जाती है। उसके बाद स्टडी के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, नॉर्मली जब आप एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट कनाडा आते हो आपको कॉलेजों में जो ट्यूशन फी होती है वो बहुत ज्यादा लगाई जाती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको बहुत से कॉलेजेस में बड़ा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है कॉलेज फी में भी, क्योंकि डोमेस्टिक फी जो होती है बहुत से कॉलेजेस में अलग होती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे कि हमने बात किया, कुछ लोग समर्स में कनाडा रहने आ जाते हैं तो उनके पास यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होती है, बट अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, आप पीआर नहीं हो कनाडा में, तो आपका प्रॉपर्टी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ का अगर घर है यहाँ पे आप ले रहे हो, फाइनेंस करा रहे हो, तो उसमें लगभग आपको 1.5 करोड़ और एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आपके पास पीआर या सिटीजनशिप नहीं है। उसके बाद अगर अपने फैमिली की बात करें, पीआर होने के बाद आप घर वालों को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए भी यहाँ पे बुला सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को जब बुलाता है उन्हें 10 साल का विजिटर वीजा मिल जाता है, बट वो 6 महीने से ज्यादा अपने बच्चे के पास कनाडा आके नहीं रह सकते, बट पीआर होने के बाद आप सुपर वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो और उसके अंदर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी अपने पेरेंट्स को अपने पास रख सकते हो। और उसके बाद आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार मैं एक बार पीआर हो जाऊं उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में सोचूंगा, बिजनेस लोन लेने के बारे में सोचूंगा, तो वो सारी चीजें भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो, कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, कर आप वर्क परमिट पे भी सकते हो, बट उस सीन के अंदर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, कभी भी आपको कनाडा छोड़ के जाना पड़ सकता है। सो पहले बंदा पीआर लेने की ट्राई करता है और उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। तो भी कनाडा पीआर होने के बाद अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आप बड़े इजीली सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्टडी करने कनाडा आया, वर्क परमिट पे आया, उसने पीआर ले ली, उसके बाद उसको सिर्फ 2 साल ही और कनाडा में रहना पड़ता है और वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब यहीं से ही बात आ जाती है कि सिटीजनशिप लेने के बाद क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं या फिर कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, तो उसी के बारे में अब अपने आगे बात करते हैं। तो अभी बेनिफिट की अगर अपने बात करें तो कनाडा का पासपोर्ट लेने के बाद आप वर्ल्ड के अंदर 180 प्लस कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। आपको कोई भी पहले वीजा वगैरह अप्लाई करने की नीड नहीं है। जो भी ट्रैवल फ्रीक्स हैं जिनकी लाइफ का गोल बस घूमना फिरना ही है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना ही है, उनके लिए कनाडा का पासपोर्ट शायद बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। उसके बाद अगर अपने बात करें, किसी को यूएस से बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहता है, तो कैनेडियंस के लिए यूएस से आना जाना भी
बड़ा इजी है। अब एक प्लेन और आ गया, अभी बाय बाय कर देते हैं। ये है पोर्टर का। और उसके बाद भाई किसी को राजनीति बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भाई पॉलिटिक्स में जाना है, और किसी के दिमाग में है भाई आई जस्ट वांट टू रन फॉर द ऑफिस, तो भाई आपको उसके लिए भी सिटीजनशिप चाहिए होती है। पीआर पे आप ये सारे काम नहीं कर सकते। और उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है डुअल सिटीजनशिप का। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, वो कैनेडा की सिटीजनशिप लेके दोनों देशों की सिटीजनशिप रख सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसके साथ कैनेडा का अलायंस है। बट अगर अपने बात करें इंडिया की, एक इंडियन जब कैनेडा की सिटीजनशिप लेता है उसे अपने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। अब यही इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। अब बहुत से बच्चे लाडले जो एक लौते ही होते हैं, उनके भाई बहन भी नहीं होते हैं, पीछे उनके एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर आगे भी उनको फ्यूचर में बहुत इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है, सो वो लोग रिजिस्ट करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि हम इंडिया की अपनी सिटीजनशिप ही रखें, बस पीआर ले लें कैनेडा की। अब जो बंदा कहे कि भाई मेरा तो कोई लेना देने नहीं है, मेरे को तो कैनेडा की सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, बट मैं इंडिया ट्रैवल करना चाहता हूं, मेरा मन करे तो मैं दो दो तीन तीन साल इंडिया जाके रहा हूं, तो उसके लिए गाइस ओसीआई कार्ड बन जाता है। ये एक तरीके की इंडिया की पीआर होती है। अब इसके अंदर ज्यादा लिमिटेशन भी नहीं होती, बहुत से कैनेडियन सिटीजन जो है उनके पास ओसीआई कार्ड होता है, तो वीजा फ्री उसके बाद इंडिया जाके वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, रह सकते हैं। तो गाइस घर पे बैठ के जब हम इस तरीके की वीडियो देख रहे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में ना कनाडा की बड़ी खतरनाक सी इमेज बन जाती है। पीछे हवा देखो कितनी फ्रेश है, चीजें देखो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। बट ये भी रियलिटी है कि यहाँ आने के बाद आपको सच में अकेलापन फील होता है, कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपको थाने मार रहे हैं, आपके कोई पड़ोसी नहीं है जिनके साथ आपका क्लेश हो रहा है। सो ये सारी चीजें भी लाइफ में चाहिए होती है, बंदा कभी भी लोनली फील नहीं करता। और बहुत से लोग हैं जो जॉइंट फैमिलीज में रह रहे होते हैं हमेशा, उनको अपने रिश्तेदारों का अपने फैमिली से भी बहुत प्यार मिलता है, सो वो लोग आके अकेले यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप खुद से ना ये क्वेश्चन जरूर करना, चाहे आप किसी भी कंट्री में स्टडी करने के लिए या फिर मूव होने का सोच रहे हो, कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बंदा कनाडा जैसी कंट्री में मूव हो गया, बट एक्चुअल में उसके रीजंस बड़े डिफरेंट होते हैं जो कि आपके बिल्कुल नहीं होते। कोई बंदा कनाडा सिर्फ यहाँ का पासपोर्ट लेने आ रहा है ताकि उसको ट्रैवल फ्रीडम मिल जाए, कोई बंदा अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहा है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपनी अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस सेट करने के लिए आते हैं। अब किसी को देख के अपना डिसीजन मत लेना कि आपको कनाडा जाना है या नहीं। हो सकता है एक बंदा कनाडा आके उसे जो करना है वो करके और यहाँ से निकल ले, और आप उनको देख के कनाडा आ जाओ और ऐसे ट्रैप में फंस जाओ जिससे फिर बाहर निकल ना पाओ। तो बाकी भाई लाखों या फिर करोड़ों कमाने के चक्कर में अपनी ये जो कुछ हजार दिनों की जिंदगी है ना, इसे कभी वेस्ट मत होने देना। बाकी आप खुद समझदार हो, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकते हो। और ये लास्ट लाइन बाकी मैंने बड़े शॉर्ट में बोली है, बट जिसे समझ आ गई वो शायद लाइफ में कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। अब आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस आप मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।